साढ़े मान जो कमिश्नर पुलिस सरदार गुरप्रीत सिंह भुल्लर ते जॉइंट सीपी सिटी श्री दीपक पारीख इन्हां दे दिशा निर्देशों अनुसार सेंट्रल सब डिविजन की टीम वालों एक बहुत ही वधिया एक काम इत्थे किया गया है अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ACP सेंट्रल हरसिमरत। थाना नंबर 2 और थाना नंबर 3 की टीम ने पिछले 3-4 दिनों में स्नैचिंग और व्हीकल थेफ्ट के अगेंस्ट एक एक्सटेंसिव ड्राइव चलाते हुए अब तक 14 अक्यूज्ड 20 मोबाइल्स हैव बीन रिकवर्ड एंड 17 टू व्हीलर्स इन्हों आप रिकवर किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे हमारे 35 से ज़्यादा जो प्रीवियस इंसिडेंट्स हैं वो ट्रेस हो गए हैं। इसमें जो 14 अक्यूज्ड हमने अरेस्ट किए हैं इसमें से 7 जो हैं वो जुवेनाइल्स हैं और 3 या 4 ऐसे अक्यूज्ड हैं जिनका एक प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इसमें कुछ जो हैं वो लोकलाइट्स हैं कुछ जो हैं वो अलग अलग स्टेट्स को भी बिलोंग कर रहे हैं एंड अ फ्यू ऑफ देम आर आल्सो फ्रॉम अनदर कंट्री आई विल नॉट नेम द कंट्री। जैसे बाइस में आपने कहा कि अंग्रेज भी हैं कोई ऐसा आप लुधियानावासियों को मैसेज देना चाहते हो कि जैसे क्रिमिनल बच्चे अपनी देख रहे हैं अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं उनके रोकथाम के लिए कुछ पेरेंट्स को मैसेज आपके देखिए एज आई सेड जो 14 हमने पकड़े हैं उसमें से 7 जुवेनाइल्स हैं जिनकी एज 13 to 17 ईयर्स है। सो फॉर द पेरेंट्स इट इज़ अ वेकअप कॉल प्लीज़ मॉनिटर कि आपका बच्चा क्या कर रहा है सोशल मीडिया पे किससे बात कर रहा है शाम को 5 बजे के बाद कहाँ जा रहा है उसके दोस्त कौन हैं ऐसा ना हो कि वो क्राइम की दुनिया की तरफ अपने कदम बढ़ाएं और आपको पता ना चले। अगर कोई पेरेंट्स इसमें पुलिस की कोई मदद चाह रहे हैं किसी तरह की काउंसलिंग चाह रहे हैं तो वो इन कॉन्फिडेंस वो हमें अप्रोच कर सकते हैं और पुलिस की तरफ से जो भी मदद होगी हम वो करेंगे। सारी चीज़ें थोड़ी बताएंगे आप। जो ये लोग 35 से ज़्यादा मैंने ट्रेस किए हैं ये वैसे मेरा बेसिकली कौन कौन से थानों की ट्रेसिंग जी इसमें जोन 1 के जो एरिया हैं उसके सारे जो हैं वो ट्रेस हुए हैं। हमने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं एज ऑलवेज पीछे भी हमने 25 के आसपास हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे 2-3 महीने पहले। जो प्रेजेंट जो एक्यूज हैं इन्होंने जो हॉटस्पॉट्स हमें बताए वो सिविल हॉस्पिटल कचहरी कॉम्प्लेक्स रखबाग नीला झंडा रोड CMC कौशाला रोड शिंगारा रोड। अनदर थिंग जनरली क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उसमें जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है वर्कर्स हैं जो बेचारा 15 दिन में 3,000-4,000 रुपये कमाता है जिसको महीने में 2 बार सैलरी मिलती है तो ये लोग उनको टारगेट करते थे उनसे उनका मोबाइल फ़ोन स्नैच कर लेते थे दातर दिखा के।